पी का मान है, बी का मान है, ए में -2, बी में 2, सी में -4, डी में 4। देखिए बाबू, देखो सब, जब बोला कि समांतर श्रेणी है तो हमको पता है कि उसका सर्वांतर बराबर होगा। अगर सर्वांतर बराबर नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं है, उसी को कहते हैं समांतर श्रेणी भी। समांतर श्रेणी जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वांतर को बराबर करेंगे। देखिए पद दिया हुआ है यहाँ पे, पहला पद, दूसरा पद एवं तीसरा पद दिया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन से P-1, P+3 और 3P -1। क्या करेंगे, सर्वांतर को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, D1 बराबर D2। D1 का क्या है, D1 कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो P+3 -P -1 बराबर D2 क्या है, दूसरा तीसरा पद माइनस 3P -1 -P+3। अब देखिए यहाँ पे P+3 -P+1 3P -1 -P -3। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, -P -P -P+P कैंसिल, 3 1 4। यहाँ पे देखिए 3P -1 -3 कितना हो गया, -4। 3P में से P गया, कितना बचा 2P, कितना बचा 2P, -4। देखिए -4 को इस साइड लाइए, 4 माइनस, अगर ये माइनस है, अगर इस साइड आएगा तो +4 बराबर 2P। अब देखिए 2P बराबर 8, तो P बराबर 8/2 कितना आ गया 4, तो P बराबर 4, तो P का मान कितना आ गया, डी ऑप्शन। देखिए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक पैरेलल डी और ये ए है, और देखिए ये 2 दिया है और इसका अनुपात 3 है, इसका 5 है, तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट ये कुछ नहीं है, इसी है, इसका अनुपात क्या हो। ओके देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, बोलिए। देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, जब ऐसा आपको त्रिभुज रहे पैरेलल बोले, बीसी पैरेलल डीई या डीई पैरेलल बीसी, अगर ऐसा रहे तो ये कौन सा है, कौन सा प्रमेय का है, ये थैल्स प्रमेय है। कौन प्रमेय है, थैल्स प्रमेय, थैल्स थैल्स प्रमेय, थैल्स प्रमेय से, थैल्स प्रमेय कहता है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी। अब देखिए ये थेल्स पर में बोलता है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो, दोनों का रेशियो इस रेशियो के बराबर होता है। अब देखिए एडी का मान आपको कितना दिया हुआ, 2। डीबी का मान कितना, डी और बी के बीच में देखिए कितना दिया हुआ, 3, तो 3। और देखिए एई का मान कितना दिया हुआ, 5। और ईसी का मान देखिए कितना दिया हुआ,
नहीं दिया हुआ तो इसको कुछ मान लीजिए आप, एक्स मान लीजिए आप, दी थी इसको क्या करेंगे, कचिया गुना कर दीजिए आप लोग, तो पांच किया 15 बराबर 2x। अब देखिए x बराबर 15/2, 7.5। तो x का मान आपके पास कितना आ गया, 7.5। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल की भांति इस साल भी आएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए।